नमस्कार साथियों, आज हम बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण ग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि डबल कोर्ट खेले, मतलब दो खिलाड़ी खेले जाते हैं इसमें, तो दो खिलाड़ी खेले जाएंगे और इस कोर्ट के अंदर एक प्लेयर्स खेला जाएगा। एक साइड एक प्लेयर रहेगा, दूसरी साइड दूसरा प्लेयर रहेगा। इस कोर्ट के अंदर एक साइड दो प्लेयर रहेंगे और इस तरफ दो प्लेयर रहेंगे। टोटल चार चार प्लेयर खेलेंगे इस तरफ, और इस टोटल इस कोर्ट के अंदर दो प्लेयर खेलेंगे। जो इनका माप है, जो अलग अलग हिसाब से अलग अलग दिया गया है कि एक व्यक्ति खेलेगा तो उसका माप थोड़ा कम कर दिया गया है, दो व्यक्ति खेलेंगे तो इसका माप थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इसका माप का। इसकी लंबाई है 13.4 मीटर यानी 44 फुट, जिसमें से अलग अलग विभागों में अलग अलग किया गया है। जैसे कि ये आ गया कोर्ट, इसके अंदर 0.76 मीटर हो गया। और आगे चलेंगे तो आगे ये पार्ट्स होगा। इस पार्ट्स के अंदर ये देखो 3.96 हो गया टोटल, और ये डिस्टेंस आ रहा है ना टोटल अंदर की साइड, अंदर से आ रहा है 5.18 मीटर आएगा, और बाहर से आएगा जो 20 फिट आएगा, जो टोटल 6.1 मीटर होगा, है ना। और आगे चलते हैं। ये डिस्टेंस, ये नेट और इसके बीच का डिस्टेंस होता है 1.98 मीटर, और ये नेट आ गया। नेट की साइज होती है 1.55 मीटर ऊंचाई होती है ये, और ये फिट के अंदर 5 फिट 1 इंच होगा। ये नेट कच्चा चित्र बनाया गया है नेट का, जिसके आपको आसानी से समझ में आए। 1.55 मीटर का नेट होता है ये, हाइट ऊंचाई ये होती है यहाँ से यहाँ तक के लिए। ये टॉप टॉप से होता है, और ये साइड लाइन होती है, साइड लाइन ये सेंटर लाइन हुई। और एक व्यक्ति खेलेगा, उसके अंदर अलग अलग हिसाब से अलग अलग दिया गया है। जैसे कि ये लंबाई तो सेम रहेगी, 1304 मीटर होगी, ये तो सेम रहेगी। इसमें से अलग कर दिया गया, ये देखो इसके अंदर 6.1 मीटर दिया गया, इसमें से 5.18 मीटर, और ये नेट से लेके इसके बीच के दिए 1.98 मीटर, ये सेम है। और जो कि बैडमिंटन के अंदर माना जाता है, डबल खिलाड़ी खेलेंगे इस कोर्ट के अंदर, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा। इसके अंदर सिंगल व्यक्ति खेलेगा, तो ये छोटा माप कर दिया गया इसकी, और लंबाई तो सेम रहेगी, चौड़ाई कम कर दी गई है इसके अंदर। इसके अंदर 6.1 मीटर किया गया है, इसमें 5.18 मीटर किया गया है। ये डबल व्यक्ति खेल सकते हैं इसके अंदर। एक साइड नेट के इस तरफ दो व्यक्ति खेलेंगे, दो व्यक्ति इसी तरफ खेलेंगे, चार व्यक्ति खेलेंगे। सर्विस लेफ्ट या राइट से होती है, समाएगा या विसमाएगा संख्या के आधार पर होगी सर्विस। और इसमें भी सेम वही सिस्टम रहेगा, सिंगल व्यक्ति खेलेगा इस कोर्ट के अंदर। तो खेलने मतलब इसके लिए एक सहयोग युग्म की जरूरत होती है, दो लोग खेलेंगे युग्म। युग्म यानी जोड़ा, जोड़े की आवश्यकता होती है इस कोर्ट के खेलने के लिए, बैडमिंटन के लिए। और इसमें एक व्यक्ति भी खेल सकता है, इसमें युग्म की जरूरत नहीं होती। तो जो भी व्यक्ति डबल खेलते हैं उनको सबसे बेस्ट प्लेयर्स लेने होते हैं, तो दो लोग इधर युग्म के रूप में खेलेंगे, दो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से खेलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन बेस्ट बैठाते हैं तो बेस्ट प्रदर्शन होता है। अभी वर्तमान के अंदर अपना ओलंपिक में प्रदर्शन करने गए थे एक युगम, तो युगम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मेडल भी प्राप्त किया है ओलंपिक में, तो बहुत खुशी की बात है।